नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्केट गर्ल नाम की मूवी का, जिसे डायरेक्ट किया है मंजरी मैकीजेनी ने। और दोस्तों, इस मूवी में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं रशेल संचिता गुप्ता, अमृत मघेरा और शफीन पटेल। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म में हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आती हैं वन ऑफ हिंदी सिनेमाज मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेस वहीदा रहमान। तो दोस्तों, इस मूवी रिव्यू में हम जानेंगे कि क्यों है ये मूवी खास और क्यों देखेंगे इसे आप। लेकिन आइए, उससे पहले जान लेते हैं इस मूवी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। दोस्तों, इस स्केटर गर्ल नाम की मूवी की स्टोरी को पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया गया है उदयपुर राजस्थान के एक गांव खेमपुर में, जहां हमारी मुलाकात होती है 15 से 16 साल की एक टीन एज गर्ल प्रेरणा से, जिसके परिवार में है प्रेरणा के मम्मी पापा और एक छोटा भाई। इसी के साथ दोस्तों, मूवी की कहानी जब आगे बढ़ती है, तब हमारी मुलाकात होती है इस फिल्म की कहानी की एक और किरदार जेसिका से, जो लंदन में रहती हैं और इंडिया इसलिए आती है क्योंकि जेसिका के दादाजी ने जेसिका के फादर को इसी गांव में अडॉप्ट किया था। इसी बीच दोस्तों, एक दिन जेसिका और प्रेरणा की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगती हैं और दोस्तों, बात करते करते कुछ दिनों के लिए जेसिका और प्रेरणा की जिंदगी के मकसद कैसे अचानक बदल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कैसे लकड़ी से बना एक मामूली स्केटबोर्ड ना सिर्फ माध्यम बनता है गांव में रहने वाले बच्चों के लिए खेलने का, बल्कि कैसे एक स्केटबोर्ड गांव में कुछ लोगों के कंजर्वेटिव थॉट और थिंकिंग को बदलने की कोशिश करता है, यही सब कुछ देखने के लिए मिलता है आपको इस मूवी में। दोस्तों, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मंजरी और उनकी बहन विनीति ने, जो कि बॉलीवुड की एक शानदार फिल्म शोले में सांभा का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता मैक मोहन की बेटी हैं। इसी के साथ दोस्तों, मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मंजरी मैकीजेनी और उनकी बहन विनीति मैकीजेनी ने। दोस्तों, एज अ डायरेक्टर मंजरी का काम अच्छा है, लेकिन शायद इस मूवी की को राइटर होने की वजह से वो इस मूवी के डायलॉग्स पर और बेहतर काम कर सकती थी, क्योंकि दोस्तों, इस मूवी के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है या लिखा गया है, उसकी वजह से काफी हद तक आपको मूवी देखते वक्त ये पता चलता रहता है कि अब इस मूवी की स्टोरी किस तरफ जाने वाली है या मूवी में आगे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों, इसका कारण ये है कि मूवी स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट हाफ तक मूवी की स्टोरी लाइन कुछ कुछ बॉलीवुड की आमिर खान स्टार दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी ही दिखने लगती है, यानी मूवी में कोई नयापन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन दोस्तों, इस मूवी की मेकिंग के दौरान या फिल्म मेकिंग के इस पूरे प्रोसेस में जिस तरह मंजरी और उनकी टीम ने अपनी द लिविंग ग्रेस फाउंडेशन के तहत इस मूवी में दिखाए गए स्केट पार्क को रियल में बिल्ड किया है, उसकी दोस्तों जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि दोस्तों 14,500 स्क्वायर फीट की जमीन पर बना ये स्केट पार्क अब राजस्थान के खेमपुर गांव के बच्चों को स्केटिंग जैसे स्पोर्ट्स में अपनी किस्मत और हुनर आजमाने का मौका दे रहा है। दोस्तों, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो रशील संचिता गुप्ता, जिन्होंने इस फिल्म में प्रेरणा का किरदार निभाया है, उनका काम अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में शफीन पटेल, जिन्होंने इस मूवी की लीड कैरेक्टर प्रेरणा के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले किया है, वो अपनी रियल और नेचुरल एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से कामयाब रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहीदा रहमान, जो इस मूवी में हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आती हैं, उनके हिस्से में बहुत कम सीन्स आए हैं, लेकिन दोस्तों, वहीदा रहमान बहुत कम स्क्रीन अपीयरेंस में भी अपने अभिनय का असर छोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मूवी का म्यूजिक, लिरिक्स और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, जो काफी हद तक आपको कहानी के साथ बांध कर रखने की कोशिश करता है, लेकिन शायद सिनेमेटोग्राफी पर और बेहतर काम हो सकता था। दोस्तों, कुल मिला जुला कर कहा जाए तो इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मूवी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अगर इस मूवी की मेकिंग के प्रोसेस में हुई मेहनत और स्केटिंग जैसे गेम को इस मूवी का सब्जेक्ट बनाने जैसी बातों को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा मूवी के प्रेजेंटेशन में हमें कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलता है। और शायद इसके लिए इस मूवी की डायरेक्टर और राइटर मंजरी और विनती इस मूवी की कहानी के कैरेक्टर डेवलपमेंट
और डायलॉग्स पर शायद और बेहतर काम कर सकती थी और कुछ नया लिख सकती थी। तो दोस्तों ये था स्केटर गर्ल मूवी का रिव्यू। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने स्केटर गर्ल नाम की इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर नहीं देखा है तो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और ऐसे ही दिलचस्प मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।